जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैपटॉप की वीडियो लेकर हाज़िर हूँ जी आपके साथ में जरीर बुक स्टोर से। तो जरीर बुक स्टोर, ठीक है, मैं आपको लैपटॉप के प्राइस से अपडेट करूँगा। मैं वैसे LCD भी बहुत सी डिस्काउंट के ऊपर मैं देख रहा हूँ लगी हुई है। 50 इंच की है जी ये वाली, सामने वाली 1600 रियाल में लगी हुई है, 2500 रियाल से डिस्काउंट मार के, ठीक है। बहरहाल लैपटॉप के मतलब बात करते हैं और आपको कुछ सस्ते कुछ महंगे सब दिखाऊंगा मैं। एसर एस्पायर है जी, देख लें, और 110 GHz है, 128 GB स्टोरेज है, 4 GB रैम है, 15.6 इंच का डिस्प्ले है, 1400 रियाल में भाई लगा हुआ है, ठीक है, देख लें। और मोबाइल इसकी लैपटॉप की लुक देख लें, ऑसम है। इसके आगे पड़ा हुआ जी ये भी एसर एस्पायर है 3, और ये 120 GHz है एंड 256 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज, 4 GB रैम, 15.6 इंच का LED डिस्प्ले है, ठीक है। और इसमें आपको देख लें इसकी लुक वगैरह, कोर i3 है, ये 1749 रियाल में मिलेगा। इसके आगे डेल इंस्पायर, ठीक है, डेल इंस्पायर ये पड़ा हुआ है और इसमें आपको मिल जाएगी जी विंडो 11, 170 GHz है और 1 TB स्टोरेज है और 4 GB रैम, 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले, ठीक है, 1899 यानी कि 1900 में मिल जाएगा आपको, बेहतरीन चीज़ है यार। आगे पड़ा हुआ है डेल वालों का वोस्ट्रो 3400 MHz है, 1 TB प्लस 256 GB स्टोरेज है और इसके अगर बात करें रैम जी 8 GB रैम है, 14 इंच का HD डिस्प्ले है। प्राइस क्या है जी, 2700 रियाल में लगा हुआ है जी, देख लें। और इसके आगे पड़ा हुआ है जी डेल इंस्पायर और इसके इंटेल कोर i5 है, विंडो 10 है, 280 GHz है, 256 GB स्टोरेज है, 8 GB रैम, 14.5 इंच का QHD डिस्प्ले, ठीक है, और 3800 रियाल में ये लगा हुआ है जी, 3800 रियाल में। इसके आगे डेल इंस्पायर 3000 में लगा हुआ है जी, 250 GHz है, 256 GB स्टोरेज, 8 GB रैम एंड 14 इंच का FHD डिस्प्ले। इसके आगे लगा हुआ है 290 GHz है, 512 GB स्टोरेज है एंड 16 GB रैम है, 14 इंच का डिस्प्ले है, 4600 रियाल में इसके प्राइस हैं भाई, 4600 रियाल। इस तरफ चलते हैं जी, यहाँ से देख लेते हैं और यहाँ पर हमको मिल जाएगा जी SS Vivo Book 3000 में, 240 एंड 512 GB स्टोरेज एंड 8 GB रैम, 14 इंच का FHD डिस्प्ले, ठीक है, ऑसम चीज़ है। इसके आगे लगा हुआ है जी ये वाला, ये भाई SS X 515 और 3 GHz है, 256 GB है, 4 GB रैम है, 15.6 इंच का HD डिस्प्ले है और 2000 रियाल में लगा हुआ है, देख लें। इसके आगे है जी ये वाला, ये कौन सा मॉडल जी SSE है, 110 GHz है, 128 GB स्टोरेज है और 4 GB रैम, 14 इंच का FHD डिस्प्ले, 1400 रियाल में लगा हुआ है, ठीक है। और सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले भी हैं, आप देखते जाएं। एसर एस्पायर, ठीक है, और इसमें 240 GHz है, 512 GB SSD, 8 GB रैम, 14.1 इंच FHD डिस्प्ले, 3049 रियाल में लगा हुआ है ये वाला भाई, ठीक है। आगे बढ़ा हुआ है एसर एस्पायर और 280 GHz है, 1 TB स्टोरेज है और 12 GB रैम है, 14 इंच का FHD डिस्प्ले है और प्राइस है 4249 रियाल। और उसके आगे पड़ा हुआ है जी देख लें, ये भी एसर एस्पायर है और कोर i3 है जी, 120 GHz है, 1 TB स्टोरेज, 4 GB रैम, 15.6 इंच FHD डिस्प्ले, 1749 रियाल में, ठीक है। अभी हम इस तरफ चलते हैं, यहाँ से आपको दिखा दूँ मैं HP पवेलियन 240 GHz, 128 GB स्टोरेज और 4 GB रैम के साथ, 14 इंच का FHD डिस्प्ले, देख ले प्राइस क्या है, 1700 रियाल। इस तरफ चलते हैं, यहाँ कौन से मॉडल हैं, तो जी HP लाइट बुक और 120 GHz है, कोर i3 है और 1 TB स्टोरेज है, 4 GB रैम, 15.6 इंच का डिस्प्ले और प्राइस है जी 2100 रियाल। काफ़ी बड़े टाइप का लैपटॉप है यार, देख लें आप इसकी ये शाइनिंग लुक प्यारी है यार, स्पीकर ग्रिलिंग देख लें और प्राइस 2100 रियाल है।
एचपी पवेलियन। और ये इसके प्राइस बता दूँ आपको, विंडो 11 है जी, कोर i3 है, 2GB 256GB स्टोरेज, 4GB रैम, 15.6 इंच का डिस्प्ले, HD डिस्प्ले है, और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, एंड प्राइस है 2300 रियाल HP वालों का। ठीक है, लुक इसकी भी प्यारी है यार, देख लिया आगे। बहरहाल यहाँ पर पड़ा हुआ है जी, ये HP वालों का ही विंडो 11 है, 260GB है, 256GB स्टोरेज है, और 4GB रैम, 15.6 इंच FHD डिस्प्ले, 2200 रियाल में लगा हुआ है। और इसके आगे लगा हुआ है जी HP, इसमें दो स्टोरेज हैं और आपको मुख्तलिफ स्टोरेज यानी कि 2900 एंड 3100। आगे HP पवेलियन देख लें, और 120GB है एंड 1TB SSD, 16GB रैम, 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले, 3900 रियाल में लगा हुआ है। और इसके आगे ये कलर काफ़ी खूबसूरत है ये वाला, यानी कि ये कैमरे में शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन वैसे देखने में यार काफ़ी शाइनिंग लुक दे रहा है। और ये देखने की चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ ये टच सिस्टम है, जो इसकी साइडों पर जो देख लें, ये शाइनिंग लुक दी गई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, लैपटॉप देखने में भी प्यारा है। और यहाँ पर AMD देख लें, इसमें ग्राफिक कार्ड दो लगे हुए हैं, फिर ये है, दो ग्राफिक कार्ड इसमें लगे हुए हैं, ऑसम चीज़ है यार। मैं देख HP पवेलियन और 120GB 512GB स्टोरेज, 16GB रैम, 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले, विंडो 11 एंड 3700 रियाल में लगा हुआ है, बेहतरीन चीज़ है यार, 3700 रियाल में अगर ये मिलती है, हकीकत बात है, स्लिम है बिल्कुल। फिर ये देख लें आप, बहरहाल आगे चलता हूँ मैं लेकर, आपको वहाँ से कुछ दिखाता हूँ। अभी मैं आपको कुछ एप्पल वालों के दिखा दूँ, पहले तो आप पीछे से देख लें इनको, मैं ये कलर इसमें काफ़ी खूबसूरत है यार, ये इसको आप, मैं तो इसको पिंक कलर ही बोल सकता हूँ यार ये, लेकिन कंट्रास्ट है पिंक कलर में, कोई और कलर यूज़ किया गया है, या तो लाइटनिंग ब्राउन या हल्का सा येलो, बहरहाल काफ़ी खूबसूरत कलर है ये। इसमें आपको मैकबुक एयर 13 है, ठीक है, और 512GB है SSD, 8GB रैम, 13.3 इंच का रटीना डिस्प्ले है इसका, ठीक है, 5500 रियाल एंड इसकी प्राइस है 6200 रियाल से डिस्काउंट मार के। ठीक है, देख लें इसकी लुक, आगे पड़ा हुआ इसी में सिल्वर है ये, ठीक है, इसमें तीन प्राइस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरेज के हिसाब से, बहुत महंगा है जी, और मैकबुक प्रो है, इसमें आपको 7300 रियाल एंड 8000 रियाल एंड 9000 रियाल, तीन किस्म की स्टोरेज मिल जाएगी। आगे पड़ा हुआ जी, ये भी मैकबुक प्रो है, देख लें आप, ठीक है, और इसमें आपको 9000 में मिलेगा ये, 230GB है एंड 1TB स्टोरेज है, 16GB रैम, 13.3 इंच का डिस्प्ले है, एप्पल के लैपटॉप है ना भाई, महंगे तो होंगे फिर, तो ये 9000 में है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आपको एप्पल के जो लैपटॉप हैं उनसे भी आगाह कर दूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आप इसका डिस्प्ले देख लें ऊपर से, इधर इसका भी देख लें और इसका डिस्प्ले देख लें, ये आपको सेम ऊपर नॉच मिलेगी कैमरा टाइप पास, बाकी इसका डिस्प्ले देख लें कितना बड़ा है। ठीक है, इसमें प्राइस आपको दिखा दूँ मैं, इसकी लुक देख लें नीचे से, सिल्वर है और ब्लैक कलर में ये शाइन इसमें दिया गया, कंट्रास्ट जो बटन वगैरह है यानी कि टाइपिंग, ये काफ़ी अच्छी कंट्रास्ट दी गई है इसमें, तो खूबसूरत लगती है। बहरहाल प्राइस इसके बता दूँ आपको, 11800 में बोल रहे हैं, 1TB SSD स्टोरेज, 16GB रैम, 14.2 इंच का लिक्विड रटीना डिस्प्ले है, ठीक है, मैकबुक प्रो रटीना XDR देख लें आप, ठीक है, ये भी देख लें एंड ये भी देख लें। तो ये कुछ एप्पल के भी लैपटॉप थे, मैंने बोला आपको इनसे भी आगाह कर दूं। यहाँ पर दो और हैं, ये भी आपको दिखा दूं, हवावे मेटबुक डी है जी, और 3200 रियाल में लगा हुआ है, 240GB है एंड 512GB स्टोरेज, 8GB रैम, 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले, और साथ में लगा हुआ है लिनोवो आइडिया पैड 5 प्रो, और इसमें आपको मिल जाएगा 340GB 1TB स्टोरेज, 16GB रैम, और प्राइस है इसके 5400 रियाल, ठीक है,
ये लिनोवो आइडिया पैड है, इसमें भी दो कार्ड वैसे यूज़ किए गए हैं। तो बहरहाल ये कुछ प्राइस थे जी लैपटॉप के जिनसे मैंने आपको अपडेट किया है। मज़ीद आप भाइयों ने किसी और के मतलब वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसकी भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 1400 रियाल में यहाँ भी लगा हुआ है, 1500 रियाल से डिस्काउंट करके लिनोवो आइडिया पैड 1, ठीक है।